सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हो तो भाई आप जो है बहुत तगड़ा प्रॉफिट करने वाले हो। आपका अभी तक जितना भी लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा रिकवर करने वाले हो और जो है प्रॉफिट में आने वाले हो। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपसे कोई भी जरूरी पॉइंट जो है मिस हो जाएगा, जिस वजह से जो है आप जो है अपना प्रॉफिट की बजाय लॉस कर लोगे। हैं ठीक है, तो और जो है ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि भाई इसे 10 साल का बच्चा भी सीख लेगा, तो आप तो सीख ही जाओगे मेरे भाई। तो प्लीज यार इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट की बजाय अपना लॉस कर बैठो। ठीक है, तो चलो यार बकबक बहुत हुई, अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है और उस पर आपको कैसे ट्रेड्स प्लेस करना है, किस तरीके से आपको जो है उस स्ट्रेटजी को जो है अप्लाई करना है जिससे जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई कर लो। वहां पे मैं आपको जो है शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ और काफी बढ़िया सिग्नल्स देता हूँ मैं भाई। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करो, जहां पे मैं खुद भी आपके साथ लाइव ट्रेड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। आप भी मेरे साथ ट्रेड करना और मैं भी आपके साथ ट्रेड करूंगा। मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कर रहे हैं मेरे सिग्नल से, तो अगर आप भी उनकी तरह प्रॉफिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके जो है टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार मैं बताता हूँ कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि ओटीसी मार्केट में वर्क करती है। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी है कि आपको जो है ओटीसी मार्केट में ट्रेंडी मार्केट को ढूंढना है, और ओटीसी मार्केट में ट्रेंडी मार्केट का मिलना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स रहते हैं। जैसे कि अभी देखिए मैंने कितने सारे पेयर्स ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास है AUD CAD का पेयर है और USD का, EURCHF का, ऐसे मेरे को ढेरों पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना यही चीज है कि आपको कोई भी रेंजी मार्केट नहीं लेना है और ना ही कोई स्टॉक मार्केट लेना है, आपको ट्रेंडी मार्केट लेना है। ट्रेंडी मार्केट होता कैसा है कि जो एक ही डायरेक्शन में जाता जाए, जैसे कि ये है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अभी दूसरे पेयर में हम चलते हैं, ये है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, दूसरे पेयर में चलते हैं, ये थोड़ा ट्रेंडी मार्केट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है दो लाइंस के बीच में मार्केट रह गया, तो ये रेंजी मार्केट हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टक मार्केट है, ये कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं, तो हमें जो है ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ठीक है, और ओटीसी मार्केट में जो है ट्रेंडी मार्केट बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ये भी एक हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे, काइंड ऑफ ट्रेंडी मार्केट है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब आपको इस मार्केट में ट्रेड कैसे प्लेस करना है, और इस जो है स्ट्रेटजी को मैं बेसिकली कहता हूँ ओटीसी क्लियर स्ट्रेटजी, जो कि मैं VIP ग्रुप में एक सेशन भी चलाता हूँ ओटीसी क्लियर का, जिसका नाम है ओटीसी क्लियर सेशन, और वहाँ पे मेरे मेंबर्स जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ वो आप एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने जो है अभी एक ट्रेंडी मार्केट लिया। अब ट्रेंडी मार्केट में आपको जो पता होगा कि एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रेंडी मार्केट ले लेते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि मार्केट जो है ट्रेंडी मार्केट में कुछ इस तरीके से चलती है, ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर फिर थोड़ा नीचे। ठीक है, तो मतलब हायर हाई बनाती है फिर हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है फिर हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है फिर हायर लो बनाती है। तो हमें जो है हायर हाई पे ध्यान देना है फिर हायर लो पे ध्यान देना है। अब वो ध्यान कैसे देना है और यहाँ पे जो 100% के लिए आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना है वो चीज मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ था ट्रेंडी मार्केट, पहले तो यहाँ पे हम ट्रेंडी मार्केट देखेंगे, और ये जो स्ट्रेटजी है आप दोनों ही मार्केट में यूज कर सकते हो, दोनों ही इन द सेंस कि आप जो है डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो, आप अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप अप ट्रेंड में कैसे यूज कर सकते हो और डाउन ट्रेंड में कैसे यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर मुझे आगे चल के वीडियो में कोई लाइव ट्रेड्स मिले तो मैं वो भी प्लेस करूंगा आपके सामने, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत कुछ बाकी है वीडियो में, वीडियो को छोड़ के मत जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये हायर हाई बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। ठीक है, देन इसको लेने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दी, ये हायर हाई बना, और जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, इस हायर हाई को तोड़ के ऊपर जाएगी, तो हमें वेट करना है कि मार्केट अब वापस कब आती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर गई
और जब यहाँ पे वापस आई, इस वाली रेड कैंडल ने इसको टच किया और हमने जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। अब कभी कभी क्या होता है, ये चीज आपकी फेल हो जाएगी, आपको ये टच भी करेगी लेकिन आप ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लगाओगे लेकिन उसके बदले जो है आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल जाएगी। तो उससे बचने के लिए मेरे पास एक तरीका है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में कि उससे कैसे बचना है, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप जो है अपना प्रॉफिट करने के बजाय लॉस कर लोगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि अभी जो है इस रेड कैंडल ने इसको टच किया और हमने जो है ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर देनी थी। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूं कि आपको जो है कब ट्रेड प्लेस नहीं करनी है इस वाली रेड कैंडल के बाद इस वाली ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो आगे मैं चल के देखता हूं, पहले तो वो चीज कहीं पे मिलती है मुझे, लाइक कहाँ पे कहाँ पे, इस वाले मार्केट में तो नहीं है। मैं किसी और चार्ट पे चलता हूँ, जैसे कि मैं अभी यूरो जेबीपीआई के चार्ट पे आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हायर हाई एंड हायर लोज बने, जैसे कि हायर हाई ये बना है, हायर लो ये है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और फिर हायर लो। तो हमें यहाँ पे भी इस कुछ इस तरीके से हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको उस चीज से कैसे बचना है कि जब यहाँ पे हम ग्रीन के लिए ट्रेड लगा रहे हों और वहाँ पे गलती से रेड बन जाती है और फिर जो है हमारा लॉस हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे हमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मिला है। ठीक है, पहले तो मैं इस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो में कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी इजी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट, और हाँ एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं बताना भूल गया था शायद आपको, कि आपको जो अगर अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो ना तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेना, भूल के भी रेड कैंडल के लिए ट्रेड मत लेना। रेड कैंडल के लिए ट्रेड तब लेना जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और आप सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आपको भूल के भी ग्रीन डाउन ट्रेंड में आपको भूल के भी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना और अप ट्रेंड में आपको भूल के भी रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भाई आप जो है कैसे बच सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल का हायर हाई बनाया था और ब्रेक करके ये दूसरी कैंडल गई और फिर जो है यहाँ पे हायर लो बनाने के लिए ये वाली रेड कैंडल आई। आप मेरे थोड़े कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली रेड कैंडल आई। अब इसके बाद हमें जो है ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस करना था। अगर हम इसके बाद ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर देते, ऐसे मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जांपल बता दूंगा मार्केट में। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखना और जो कुछ भी समझ में ना आए ना वीडियो को पूरा देखना यार, और समझ में कुछ भी ना आए ना तो कॉमेंट कर देना, मैं सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई बनाया और मार्केट इसको ब्रेक करके गई और फिर एक मार्केट एक हायर लो बनाने आई इस कैंडल के साथ। ठीक है, अब इस कैंडल ने इसको टच तो किया, इस वाली रेड कैंडल ने, और इसके बाद हमें जो है ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी थी जहां पे ये रेड बन गई है। अगर हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की होती तो हमारी ये ट्रेड फेल हो जाती। अब इससे बचना कैसे, आपको इस वाली रेड कैंडल में ये चीज दिखनी है कि भाई नीचे वाली जो विक है ना वो कितनी बड़ी है, वो ज्यादा बड़ी है। तो अगर ये ज्यादा बड़ी होगी ना नीचे वाली विक, अगर ये रेड कैंडल की विक जो है ज्यादा बड़ी होगी ना, तो ये वाली जो रेड कैंडल है यहाँ पे फिर रेड कैंडल ही बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो विक है ना इसको इसका स्पेस फिल करने आती है ये वाली रेड कैंडल, और जैसे ये इस स्पेस को फुल करती है देन इसके बाद जो है रेड वो ग्रीन कैंडल बनने लगती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बनने लगती है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ था मार्केट का, यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ था मार्केट का और यहाँ से मार्केट ब्रेक करके गई और फिर एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे इसकी नीचे वाली विक बड़ी थी। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें तो जो है रेड कैंडल बनी नहीं, इसमें तो जो हमें चाहिए ग्रीन कैंडल वही बनी है। अब भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि जो इसकी रेड कैंडल की जो विक है बड़ी है लेकिन वो विक जो है क्रॉस कर चुकी है इस वाले SNR लेवल को, वो ये वाली काउंट नहीं करेंगे हम, इसके ऊपर जितनी विक है ना उसको काउंट करेंगे। तो इस वाले एरिया को तो फिल कर चुकी थी, अगर इसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहता ये विक यहाँ से क्रिएट होती और फिर इसके ऊपर इसकी बॉडी रहती यहाँ पे, अगर ये विक इतनी लंबी होती तो फिर इसके बाद जो है रेड कैंडल बनने के चांसेस थे और वो रेड कैंडल इसकी विक को फिल करती। लेकिन ये ऑलरेडी ये एरिया फिल्ड है ऑलरेडी, तो हम इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है अप ट्रेंड में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। थोड़े से मैं आपको डाउन ट्रेंड के भी एग्जांपल्स दे देता हूँ, मुझे कहीं पे मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखता है तो लाइक ये मार्केट भी नहीं है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, लाइक ये यहाँ पे देखिए आप
मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, मार्केट ऐसे आई लोअर लो क्रिएट किया और ये लोअर हाई, और मार्केट ने फिर इसको ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो है हमें जो है रेड कैंडल की ट्रेड प्लेस करनी थी, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, ये समझ में नहीं आया आपको तो लाइक कुछ इस तरीके से, ये वाला थोड़ा नहीं नहीं ये हायर लो और लोअर हाई क्रिएट ही नहीं हुआ यहाँ पे, ओके लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक सेकेंड, ओके ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ओके अभी यहाँ पे आप देखिए थोड़ा देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जो है लोअर लो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन इसके बाद ये रेड वो ग्रीन कैंडल बनी इसको वापस से इसको टच करने के लिए, और फिर जो है हम इस रेड कैंडल पे 100% के लिए ट्रेड कर सकते थे। इसमें देखिए इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि हम इसके स्पेस के फिल होने का वेट करें, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनने का वेट करें। यहाँ पे देखिए लोअर लो क्रिएट हुआ, इसके बाद लोअर हाई क्रिएट हुआ, देन इसने इसको ब्रेक किया इस वाले एसएनआर लेवल को, इस वाले एसएनआर लेवल को इसने ब्रेक किया, देन वापस जाके इसने जब इसको टच किया तो हम इसके बाद जो है रेड कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है आपको, ये लोअर लो और लोअर हाई पे, और अप ट्रेंड में बता ही चुका हूँ किस तरीके से आपको हायर हाई एंड हायर लो पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, फील फ्री होके मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूँ अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट करना चाहते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद भी लाइव ट्रेड करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप भी मेरे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे भाइयों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करना, क्योंकि भाई देखो मैं जो है नॉलेज वाले वीडियोज़ बनाता हूँ, पागल बनाने वाले वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। मेरे जितने भी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।